सॉरी जाबी, मैंने आपको परेशान कर दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। सिला, तुम भी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। जब तुम्हें पता है मेरे फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, तो फिर तुम उनसे मुकाबला क्यों करती हो? क्या आपको भी यही लग रहा है कि मैं ही कसूरवार हूँ? सिला, किसी एक को तो सरेंडर करना पड़ेगा ना। अगर मामा अपने आप को तब्दील नहीं करी, कम से कम तुम अपने आप को तब्दील करो। आपकी खुशी के लिए तो मैं आपके घर वालों के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन उन्हें तब भी खुश नहीं होना। मैंने तो मामा को कह दिया कि अगर हमारे होने से इस घर में इतनी टेंशन है तो हम कहीं और चले जाते। कहाँ कहाँ जाएंगे हम? कोई फ्लैट ले लूंगा यार, कम से कम इस रोज की चिक चिक से तो बचेंगे। नहीं नहीं, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम इसको अपना घर कहती हो? यहाँ के घर वाले तुम्हें कबूल तक तो कर नहीं रहे। तो क्या हुआ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और वैसे भी मैं आपको आंटी से दूर नहीं करूंगी, ना लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे कि बहू ने बेटे को माँ से दूर कर दिया। सिला, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। तो हो गया ना फैसला, हम यही रहेंगे। सिला देखो, तुम बहुत अच्छी हो। जिस तरीके से मोहब्बत से तुमने मेरा दिल जीता ना, उसी तरीके से तुम मेरे घर वालों का भी दिल जीत सकती हो। अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज यार इग्नोर किया करो। साबी, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है और मैं अब भी बहुत कोशिश करूंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सिला। मैं पागल? तो ये घर छोड़ के इसके साथ फ्लैट पे रहूंगी?